नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। टी20 विश्व कप 2021 भारत के लिए अच्छा नहीं रहा। लीग मुकाबलों से ही भारत बाहर हो गया। पहले दो मुकाबले भारत को हार मिली, पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ तो दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ। वहीं अंतिम तीन मुकाबलों में कमजोर माने जाने वाले अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को भारत ने बड़े अंतर से हराया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। विराट कोहली आखिरी बार टी20 विश्व कप में भारत के लिए कप्तानी करते हुए नजर आए, मतलब अब वो भारत के कप्तान आगे नहीं रहेंगे। नामीबिया के खिलाफ उन्होंने आखिरी बार टी20 क्रिकेट में भारत के लिए कप्तानी की और उस मैच में भारत को शानदार जीत मिली, मतलब एक यादगार अंत उनकी कप्तानी का हुआ। पिछले दो मुकाबलों में, मतलब नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ, भारत के रविंद्र जडेजा ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया और दोनों मैच में लगातार मैन ऑफ द मैच चुने गए। वहीं मैच के बाद रविंद्र जडेजा ने विराट कोहली की खूब तारीफ की और रविचंद्रन अश्विन की भी तारीफ में उन्होंने कसीदे पड़े। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला कोच जो होगा उसके साथ भी हम ऐसा ही सामंजस्य बैठाएंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। रविंद्र जडेजा ने अपने बयान में कहा, एक गेंदबाज के तौर पर मैंने मैच का मजा लिया। बॉल सूखी थी और यह स्पिनर के लिए हमेशा अच्छी बात होती है। कुछ गेंद टर्न कर रही थी और कुछ नहीं, तो बल्लेबाज को बार बार अंदाजा लगाना पड़ रहा था। मैं अश्विन के साथ 10 साल से खेल रहा हूँ। वाइट बॉल से उसने IPL में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसको यहाँ खेलने का मौका मिला। विराट शानदार कप्तान रहे हैं, मैं उनके साथ 10-12 सालों से खेल रहा हूँ। वह हमेशा पॉजिटिव और एग्रेसिव कप्तान रहे हैं और आप खिलाड़ी के तौर पर ऐसा ही चाहते हैं। भरत अरुण, आर श्रीधर और रवि शास्त्री शानदार रहे हैं। वहीं रविंद्र जडेजा के बयान से इतर मैच की बात करें तो इस मैच में भारत ने शानदार तरीके से गेंदबाजी की। नामीबिया की टीम 132 रन ही बना सके, जिसके जवाब में भारत के दोनों ओपनर्स KL राहुल और रोहित शर्मा ने अर्धशतक ठोका और भारत को 9 विकेट से जीत दिला दी। फिलहाल रविंद्र जडेजा के बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर भेजें।